हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छी होंगे। गाइज मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और अभी गाइज मैं आई हूँ अपने मायके, मैरिज में से मैं यहाँ आ गई, कुछ काम था मुझे तो मैं यहाँ आ गई हूँ। और एक दो दिन में मैं चली भी जाऊँगी। और जो बाबू है वो मेरी गोदी में है, मैं उसे फिट करवा रही हूँ। और स्कूटी पे मैं, भैया और मेरा भतीजा आ गया था। जो मम्मी है वो बस से आ रही थी और वो पहुँच भी गई है, बस भैया जस्ट उनको लेने गए हैं स्कूटी से। और अभी घर पर कोई नहीं है। जो मेरी भाभी हैं वो भी अपने मायके गई हैं मैरिज में, तो फिलहाल इस कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं चल लेती हूँ, काम भी है मैं वो कर लूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो बस जस्ट अभी आई हूँ, बैठी हूँ। और गाइस जैसे मैं अपने घर पे आई ना, जैसे मैंने पैर रखा गेट खोल के, जैसे मैंने अपना गेट खोला और मैंने पैर रखा ना, तो मुझे मेरे पापा की याद आ गई। गाइस मैं एकदम से रोने लगी अंदर, मतलब आते ही ऐसा लगता था ना, मतलब पापा को देखते तो बहुत खुशी सी होती थी, पर आज ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ खोया हुआ है। बहुत याद आ रही थी मन, इसीलिए मेरा मन ही नहीं करता ज़्यादा यहाँ रहने का और आने का, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं। पापा के बिना आई ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ बैठते थे यहाँ उठते थे, वो सब याद आने लग गया मुझे और मैं रोने लग गई बिल्कुल ही। बट ये है कि फ़िलहाल कोई नहीं था कि मुझे चुप कराए यहाँ पर, क्योंकि भाभी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है। और गाइस मैं वैसे भी सबके सामने रोती भी नहीं हूँ, मुझसे नहीं रोया जाता है। बस जो मेरी फीलिंग है वो अकेले में ही, कहते हैं ना वो भर के आती है, अंदर से फीलिंग आ जाती है वो, तो अकेले में ही आती है, किसी के सामने नहीं आती है। तो बस जस्ट मैं अंदर आई तो मुझे रोना आ गया था, पर क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान के ऊपर ही है, जो करता है ठीक ही है। तो गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। भाभी तो है नहीं आज, तो सारा काम मुझे ही बुक करना है, इवनिंग का टाइम है। तो मैं सोची बाबू सो जाएगा अगर, तो फिर मैं खाना वगैरह बना लूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज मॉर्निंग का टाइम हो चुका था और अभी मुझे जाना है किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि भाभी है नहीं तो मुझे ही बनाना है। तो मैंने बाबू को दिया था, मम्मी को, कि लेके बैठी रहना इसे। जीरा मैं जानता हूँ, आप जानते हो? इसमें था क्या? दिखा रहा हूँ, इसमें था ना? इसमें नहीं है। है ही नहीं बेटा, कहाँ है? अरे वो वाला कहाँ गया डब्बा? इसका करो, हाँ वो वाला दे दे, उसी में। इसमें? हाँ देखो, जीरा है? हाँ जीरा है। नहीं है भाई, फिर कहाँ गया जीरा? तो कहीं उसी में था। खत्म हो गया भैया? तो खत्म नहीं हुआ, तेरी पड़ा था भाई। जीरा खत्म हो गया क्या? हो गया, हो गया। अच्छा रे, उई सॉरी, मिस्टर कुछ भी खत्म खत्म हो सकता है। चलो पापा की तो पापा, हाँ उसी में, उसी में, उसी डब्बे में, नीचे करो ना। छटकेगा ना दीदी? हाँ? ये छटकेगा ना? मेरे पैर पे एक दिन छटक गया था। मसाले में मसाले नहीं भर रखे, सामान थोड़ा कर रखा है, सब बहुत प्रॉब्लम हो गई ना, दिक्कत हो गई है बाबा के जाने से, है ना? अभी पड़े हैं मसाले। कहाँ है? एक ये वो वाला मसाला पड़ा है, धनिया पाउडर। हाँ धनिया पाउडर, और वो कौन सा मसाला है पता नहीं, सारी चीज पड़ी है लेकिन मिलते नहीं है, मम्मी रख देती है कहीं और। कोई बात नहीं, जब तक एक एक सामान ऊपर रख दो, क्या करना है, यहाँ फैला रहेगा। दो ये सब रख दो ऊपर, रख दो इसको थोड़ा। आपकी बना ये रख दो, और उसके बाद धनिया पाउडर देना मेरे को ना, धनिया पाउडर। ये हल्दी है ना, धनिया थोड़ी है। मैगी ना भी बनाऊंगी, पहले बना दूं, माँ को दे दूं खाने के लिए। अच्छा वो उसके बाद बना दूंगी ना, है ना? ठीक है ना? हाँ एक दिन तो मैं चाइनीज कुछ तरह बना दिया था मैगी, लग रहा था एकदम बेकार, इतना बेकार नहीं था। हाँ
कितना बेकार था फिर? इतना बेकार नहीं था तो थोड़ा सा बेकार था, मतलब बेकार बनाए थे यही ना? हाँ, थोड़ा बेकार बनाया था। अच्छा, लो ये रख दो नमक जब तक। मैंने छोंका भी नहीं, वो पहले पानी डाला फिर तेल डाला फिर उसके बाद सब्जी काटा। वहाँ रखने की जगह देखने की लाना नहीं बेटा, हो गया वो, थोड़ा इधर लाना तो मैं एक बात करनी। तो गाइस देखिए क्या है कि अभी ना फिलहाल अंधेरा हो रहा है, लाइट गई हुई है, लाइट बाकी विलेज में तो है, हमारे घर लाइट नहीं रहती है। एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारा मेन पोल होता है ना, जो खंबा है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो हमारे लगभग 4-5 महीने हो गए लाइट ही नहीं आ रही, तो हम लोगों को अंधेरे में ऐसे ही टॉर्च की तरफ दिखाना बाबू। हाँ तो गाइस इधर दिखा दो मेरी तरफ। तो गाइस हमें ना ये जो टॉर्च है ना, बस अब रहने तो बस मुझे ही दिखा दो। तो वो टॉर्च जो जल रहे हैं, हम लोग टॉर्च वगैरह जला के फिर खाना बनाते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब से पापा की डेथ हुई ना, तो हमारा जो पेंशन वगैरह थी पापा की, गवर्नमेंट जॉब थी मेरे पापा की, तो उनकी डेथ होने का टेंशन है जो वो रुक गई थी, रुक गई, अभी भी काम नहीं हुआ बना है। तो जो पेंशन है वो रुक गई है। अभी बिजली का बिल भी हम नहीं दे पाए कि हम लोग आगे कंप्लेन करें। 3-4 महीने की जो हमारा बिजली का बिल है वो भी रुका पड़ा है, क्योंकि पेंशन ही नहीं आ रही है, तो हम कहाँ से आगे करें। तो आगे हम लोग बिल भी नहीं भर रहे हैं, तो हम लोग कंप्लेन भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत जल्दी हमारा जो पेंशन वगैरह मेरी मम्मी का बन जाएगा, तो उसके बाद हम लोग बिल वगैरह भर देंगे, तब हम कंप्लेन कर सकते हैं। और शायद उसके बाद फिर हमारी जो लाइट वगैरह आ जाए। तो 4 महीने तो हो गए लाइट की दिक्कत से, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। हमें ऐसे टॉर्च वगैरह चला के खाना बनाना पड़ता है और बहुत तकलीफ लगी रहती है। पर चलो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तकलीफ होती रहती है, तो उससे नहीं डरना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी फिलहाल मैं खाना ही बना रही हूँ। बाबू जाओ पानी ले आओ ना, थोड़ी सी बंद कर दो कैमरा। तो गाइस जो है हमारा खाना वगैरह वो बन चुका है, और अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में। मम्मी और मेरा बेबी सो रहा है, और मेरी कजन बैठी है, देखो मेरी कजन है, और मेरा भतीजा है जो कि पजल गेम ये कुछ बना रहे लेके आए थे कल मैरिज में से लेके आया था मेरा भतीजा, तो अब ये बना रहे हैं। और अभी भी जो हमने टॉर्च लगा रखे ऊपर, तो वही जल रही है। तो उसी में जो है मैंने सोचा अपना ब्लॉग उसका एंड कर देती हूँ, रात भी हो गई, काफ़ी अंधेरा हो गया है। बस थोड़ी देर में हम लोग भी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, बताइएगा कि आज का मेरा जो ब्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।